हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से एक नई रिक्रूटमेंट आई है। इसी वीडियो में जानकारी आपको दी जाएगी कि किस किस पद के लिए वैकेंसी आई है, किस एज ग्रुप के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हो, नीचे कमेंट करके उस जिले का नाम जरूर लिख दें, ताकि जब भी आपके जिले से रिक्रूटमेंट है तो डेफिनेटली आपको जो मैं बता सकूं, पिन कर सकूं। तो चलिए नीचे फटाफट आप लोगों को अपने जिले का नाम लिख देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वैकेंसी के साथ। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट आई है और यहाँ पे 5 पद आपको देखने को मिलेगा। सैलरी आपको 22,000 रुपये मिलेगी और कुछ आम बातें, जो आम जानकारी है वो आपके साथ में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दूं। सीधी सीधी बात है, अगर आपकी उम्र 25 से कम है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। 25 से अधिक और 45 से कम अगर आपकी उम्र सीमा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दो बातें क्लियर हो गई, एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपका बीएड नहीं है तो आप इस पदों के लिए जो है अप्लाई या फिर एलिजिबल अपने आप को नहीं पाते हो। सीधी सीधी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट के साथ। हिंदी सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट आई है 5 पदों के लिए। एक अनुसूचित जाति के लिए जो है रिजर्व रखा गया है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 2 सीटें जो है जनरल के लिए रखी गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें रखी गई है। 22,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बीएड के साथ जो है आपने अगर प्रशिक्षण लिया है, साथ में टेट, कोई भी टेट हो, चाहे वो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहीं से भी आपने कर रखा है, काम आपका बन जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे पद की अगर मैं बात करूं गणित यानी कि मैथमेटिक्स टीचर की, तो एक पद अनुसूचित जाति के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एक अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए और एक पद ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है। 22,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, काम आपका बन जाएगा। साथ में टैट पेपर 2, याद रखिएगा टैट पेपर 2 होना जरूरी है, चाहे वो सी टैट हो, यूपी टैट हो, कोई भी टैट हो, चलेगा आपका। इसके अलावा विज्ञान के लिए देखिए ZBC यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, टेट की परीक्षा भी पास होनी जरूरी है। वैकेंसी जो आई हुई है टोटल 2 पदों के लिए आई हुई है और 2 पद जो है आप यहां से देख सकते हो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट को रिजर्व रखा गया है। अब देखिए बात करते हैं सामाजिक विषय की, एक ही पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये रिजर्व रखा गया है। 22,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अगर आपने सिविक्स से ग्रेजुएशन करा है तो आपका काम किसी एक विषय होना का, जो ये 3 में से कोई एक सब्जेक्ट है अगर आपका नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा, 3 में से कोई एक होना चाहिए, बीएड, पेपर 2, सीटेट या यूपीटेट का। इंग्लिश के लिए एक ही पोस्ट है और वो एक पोस्ट जो है यहां से मैं दिखा दूं किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखी गई है एक पोस्ट इंग्लिश की। 22,000 रुपये सैलरी है। इंग्लिश से अगर आपने ग्रेजुएशन बीएड किया है और पेपर 2 सीटेट का होना जरूरी है। आगे देख लीजिए, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए 8 वैकेंसी आई हुई है, एक अनरिजर्व रखा, एक जो है ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 अनरिजर्व है, 3 जो है अनुसूचित जाति के लिए और एक जो है उसके लिए रिजर्व रखा गया। आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, डोंट वरी, आप आराम से उन चीजों को देख पाओगे। बीसीए बीएससी कंप्यूटर से अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 9,800 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए रिक्रूटमेंट आई है, 9,800 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। स्नातक के साथ बीपीएड और सीपीएड अगर आपने कर रखा है, काम आपका बन जाएगा। मुख्य रसोईया की रिक्रूटमेंट है 6,900 रुपये, 5,175 रुपये सहायक रसोईया के लिए, चपरासी के लिए 5,750 रुपये और चौकीदार के लिए 5,750 रुपये। अब बोलोगे कि इन लोगों के लिए क्या किया जाए, तो देखिए ये वैकेंसी जो है ना, आप पढ़े लिखे लोग जो है आपके गांव में या फिर आपके शहर में जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ताकि वो अप्लाई कर सके और उनको जो है ये वैकेंसी मिल सके। आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज, एक सिटीजन होने के नाते आपको ये काम करना है। अगर आपके घर के आसपास के लोग हैं तो उसे अप्लाई कर दें, आई मीन उन्हें बता दें ताकि वो अप्लाई कर पाए। फॉर्म भी आप ही को भर देना है। यहाँ से देखिए उम्र सीमा की मैंने बात कर दी, अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए 42 रुपये का डाक टिकट लगाना जरूरी है और 2 लिफाफे आप खरीदोगे, उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होना जरूरी है। साथ में ये 42 और एक और लिफाफा लोगे, उसमें अपना एड्रेस लिखोगे और 42 रुपीज़ का जो है टिकट लगाकर आप इसे भेजोगे। साथ में एक बड़े से लिफाफे के अंदर आपको ये 2 लिफाफे भी डाल देने हैं, साथ में आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, इसके अलावा जो है अगर आपका होगा क्या, होना ही चाहिए सीटेट पेपर 2, वो सारे मैट्रिक से लेकर
बीएड डीएलएड के अलावा, जो डीएलएड तो नहीं, बीएड के अलावा जो है सीटेट या यूपी टेट के जो पेपर वन या पेपर टू आपने क्वालिफाई किया है, एक्चुअली पेपर टू ही वाले एलिजिबल होते हैं, वो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड के साथ भेज देना है। आखिरी डेट रखी गई है, यहाँ से आप देख पाओगे 26 दिसंबर 2023 तक आप इसे शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लिफाफे के ऊपर जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए जो पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं पूर्णकालिक शिक्षिका की बात कर रही हूं, ठीक है, मैं पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं गणित के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो आप गणित लिख दोगे और बगल में हो सके तो आप यूआर लिख दो, अगर अनरिजर्व कैटेगरी हो, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी लिख दो, अगर आप एससी हो तो एससी लिख दो, एसटी हो तो एसटी लिख दो, ताकि उनको कैटेगराइज करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा। अब बात कर लेते हैं ये वैकेंसी कहां से आई है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर यूपी से उत्तर प्रदेश से ये रिक्रूटमेंट आई है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यूपी के बारे में मैं दूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट पे जरूर नजर रखिएगा, KGBB यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, जब भी रिक्रूटमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली वहां पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आगे मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे जिले का नाम जरूर लिख देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।